हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का जो यूज है, जो स्कोप है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में है कि माइक्रोब्स का यूज कैसे कैसे होता है, उसी को हम कहते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रोब्स यूज होते हैं, इकोलॉजी एनवायरमेंट में यूज होते हैं, फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि मेडिसिन या वैक्सीन बनाने में माइक्रोब्स का यूज होता है। तो यह सभी क्या है, दे आर दी यूज ऑफ माइक्रोब्स, अल्टीमेटली वी कैन कॉल इट एज स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ हम एक एक करके वेरियस स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्कोप है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए माइक्रोब्स जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो है दे आर दी प्राइमरी डिकम्पोजर्स, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डिकम्पोजर्स। प्राइमरी डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक एनिमल है, एनिमल की अगर डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई तो आप देखोगे उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एनिमल के अंदर जितना भी न्यूट्रिशनल मटेरियल है सब खा लेते हैं, और उसके बाद जब वो बैक्टीरिया की डेथ होती है तब वो न्यूट्रिशन मटेरियल जो है वापस से अर्थ में मिल जाता है, मतलब रिसाइकलिंग हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, रिसाइकलिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को प्राइमरी डिकम्पोजर्स कहते हैं, और ये अल्टीमेटली में क्या करते हैं, दे आर रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करने का काम करते हैं। दूसरा जो यूज है बैक्टीरिया का एनवायरमेंट में, है ना, एनवायरमेंट में जो दूसरा यूज है उसको हम बोल सकते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड, कई सारे जो है फार्मर्स जो है वो बैक्टीरिया का यूज करते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड, है ना। बायोपेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, विच कंट्रोल इंसेक्ट्स, है ना, जो इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं या पेस्ट को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, और वो क्योंकि माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, उनको बायो पेस्टिसाइड कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, बैसिलस थुरिन जीएनसिस। ये एग्जाम्पल है एक बायोपेस्टिसाइड का जो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करता है किसी भी क्रॉप के ऊपर, किसी भी फसल के ऊपर डेवलप होने से। ठीक है, तीसरा इसका यूज हो जाएगा कि बैक्टीरिया जो है यूज होता है टू क्लीन अप एयर पॉल्यूटेंट। एयर में जो पॉल्यूटेंट है उसको क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, जैसे सुडोमोनास पुटिडा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पेट्रोलियम स्पिल को रिमूव करने के लिए काम आता है, रिमूव पेट्रोलियम स्पिल, है ना। इस टाइप से ये एनवायरमेंट, इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाले फील्ड में हमारे माइक्रोब्स का यूज हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी में कैसे हमारे माइक्रोब्स जो है, कैसे बैक्टीरियाज जो है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं, क्या यूज है उनका। ठीक है, तो दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखेंगे तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स जो है
है ना, अलग अलग माइक्रोब्स जो है दे आर यूज टू प्रोड्यूस, माइक्रोब्स कई सारी खाने की चीजें प्रोड्यूस करने में हम यूज करते हैं, जैसे चीज, करेक्ट। चीज के बाद आ जाएगा आपका पिकल, अचार है कि नहीं, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रेड, विनेगर एक्सेट्रा, कर्ड जैसे, ये सब फूड मटेरियल जो है, फूड आइटम्स जो है, ये माइक्रोब्स की हेल्प से डेवलप किए जाते हैं, तो इसीलिए हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो फील्ड है जिसमें माइक्रोब्स का बहुत मेजर रोल है, तीसरा जो फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन बनाने में भी यूज है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स जो है वो यूज होते हैं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, ठीक है, माइक्रोब्स प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने कुछ केमिकल जो है सीक्रेट किया, और ये जो केमिकल है ये दूसरे केमिकल को किल कर सकता है, तो ये वाला जो केमिकल है इट विल कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। एनी सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स यूज टू किल द अदर माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक, ठीक है। तो यहां पर ऐसा ही एक एंटीबायोटिक, बहुत फेमस एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है, और वो पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये उस बैक्टीरिया का नाम है, और इसमें से निकलने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन, तो ये काम का हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में ई कोलाई है, ये ई कोलाई विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है, तो अल्टीमेटली में ये भी जो है हमारे बॉडी के अंदर में एक यूज हो गया, किसका, माइक्रोब्स का, या स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम बोल सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्कोप आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी, फोर्थ फील्ड, कौन कौन सा, वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी, करेक्ट। अब वैक्सीन जो है इसके प्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले होता है, आप बोल सकते हो कि माइक्रोब्स का, बिना माइक्रोब्स के वैक्सीन बनी नहीं सकती, ठीक है ना। तो जैसे आप नाम सुने होंगे रेबीज वैक्सीन, यहां पे हम वैक्सीन के प्रोडक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बाद में कभी आएगा टॉपिक तो हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टिटेनस वैक्सीन, ये सभी जो वैक्सीन है ये डेवलप हुई है किससे, माइक्रोब से। आपका पोलियो वैक्सीन, यह सभी किससे डेवलप हुई है, यह डेवलप हुई है माइक्रोब से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फील्ड आपका आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल है, अब आपने क्या किया, दूसरा एक डीएनए का टुकड़ा लाया और उस टुकड़े को ये वाले डीएनए में जोड़ दिया, मॉडिफाइड डीएनए हो गया, नया डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से डेवलप होने वाले को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। ऐसा हम क्यों करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज यूज क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस एंजाइम, बहुत सारे काम के एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, कई सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है ना, और कई सारे इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, ऐसे बहुत सारे यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बूमिंग फील्ड है और बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें, करेक्ट। अब इसके बाद जो है
नेक्स्ट जो फील्ड आ जाएगी स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिस्ट में वो आ जाएगी आपकी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, सिक्स नंबर की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के फील्ड में अगर हम इसका यूज समझना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, या माइक्रोब्स जो है, दे आर जनरली यूज्ड एज अ मॉडल, यूज्ड एज अ मॉडल टू अंडरस्टैंड द एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। हमें किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझना है तो हम माइक्रोब्स का यूज करके समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या यूज रहेगा कि जैसे इंडस्ट्री में जो लीकर इंडस्ट्रीज रहती है, बेवरेजेस इंडस्ट्री है, जहां वाइन, विस्की, बियर ये सब बनता है, वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, उसके अंदर में हम रॉ मटेरियल डाल के साथ में बैक्टीरिया डाल देते हैं, वो बैक्टीरिया उस रॉ मटेरियल का फर्मेंटेशन करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें अल्कोहल मिलता है, क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमें फूड्स एंड बेवरेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में बहुत मेजर रोल है इसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। फिर कुछ एंजाइम्स ऐसे जैसे प्रोटीएसेस एंड अमाइलेजेस, ये जो बैक्टीरियाज है, ये सॉरी ये जो एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ये टेक्सटाइल और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत मेजर रोल है, टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज इसमें बहुत रोल है, इसका मेजर रोल है। फिर इसके बाद जैसे हम बोलेंगे मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए होता है, मिथेन गैस, है ना। और ये मिथेन गैस कहां पे काम आती है, इन फ्यूल इंडस्ट्री, जो फ्यूल इंडस्ट्री है ना, जैसे आपका एचपी वगैरह, इन इंडियन वगैरह, वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये आपके 7 स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्कोप आएगा वो आपका आएगा कौन सा, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, कौन सा आएगा, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज है, माइक्रोब्स के बिना सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 8 नंबर, एग्री कल्चर माइक्रो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं, हम ऐसी क्रॉप बना सकते हैं, हम ऐसी फसल बना सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिसमें डिसीज रेजिस्टेंट ज्यादा हो, मतलब उसमें कीड़े वगैरह कम लगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट ला सकते हैं, या हमने लाया है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। फॉर द किसके लिए, फॉर बेटर प्रोडक्शन, या आप बोल सकते हो फॉर बेटर रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा जो नए प्लांट बनेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कोप है वो है आपका जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी, कौन सा, जियो केमिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी है ये क्या है,
ये एक्चुअली में जो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है बायोलीचिंग। बायोलीचिंग मतलब क्या होता है? बायोलीचिंग मतलब होता है रिकवरी ऑफ मिनरल फ्रॉम दी लो ग्रेड ओर्स। क्या बोला मैंने? रिकवरी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। तो जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं उनमें से अगर हमें मिनरल्स निकालना है, मिनरल्स अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल्स की अगर रिकवरी करना है, तो हम बायोलीचिंग करते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका जो स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, वो है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। तो जो स्पेस होता है ना, तो एक्सो माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जिसमें आउटर स्पेस में लाइफ की सर्च की जाती है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग फॉर लाइफ, एक्सप्लोरिंग फॉर लाइफ इन आउटर स्पेस। तो इसको हम क्या क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आपका हो गया स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करेंगे, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, वैक्सीनेशन में, बायोटेररिज्म में, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में, ठीक है, फ्लोरोसेंट फ्यूजन में, यूवी अवेलेंट फोटोडायोड में, कॉस्मेटिक माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जो है क्या है? इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है ना। तो जैसे इसी में मैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कवर कर लेता हूं, 2 मिनट का है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो जैसे पहला हो गया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक। दूसरा जो है वैक्सीनेशन में है, ठीक है। तीसरा जो है आपके बायोटेररिज्म में है कि जितना H1N1 या जीका वायरस जो बने हैं ये क्या है? बायो टेररिज्म है और ये माइक्रोबायोलॉजी की ही देन है, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंस है वो है आपका एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बने हैं वो आपके माइक्रोब से ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस हो जाएगा इसका वो है फ्लोरोसेंट फ्यूजन, फ्लोरोसेंट फ्यूजन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल। तो इस टाइप से ये कुछ इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड के। ओके, थैंक यू।